पिछले क्लास में कैसे फरवरी में पेट्रोगार्ड रेवोल्यूशन हो गया, और रेवोल्यूशन के वजह से वहाँ एक लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर्म हो गया, उसके बारे में बता दिया। और नेक्स्ट फरवरी के बाद रशिया में जो हुआ कुछ प्रॉब्लम्स है, और जिले असेंबली और बोल्शेविक के जरिए से हुआ कुछ प्रॉब्लम्स, और प्रॉब्लम्स किस तरह का था वो आज हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर फरवरी अंडर द प्रोविशनल गवर्नमेंट आर्मी ऑफिशियल्स लैंडलॉर्ड्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट वर इन्फ्लुएंशियल। वहाँ एक प्रोविशनल गवर्नमेंट फॉर्म किया जो लगभग डेमोक्रेटिक लेवल पे, तो उसके वजह से आर्मी ऑफिशियल्स लैंडलॉर्ड्स इंडस्ट्रियलिस्ट सब लोग उसमें तासीर हुआ था। लिबरल्स एंड सोशलिस्ट वर्कड टुवार्ड्स एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। रेस्ट्रिक्शंस ऑन पब्लिक मीटिंग एंड एसोसिएशंस वर रिमूव्ड। वहाँ का जो दो टीम है, लिबरल्स है सोशलिस्ट भी है, दोनों इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए एक साथ काम किया, और वहाँ जो पहले कुछ रेस्ट्रिक्शन था पब्लिक मीटिंग करने के लिए और जो यूनियंस फॉर्म करने पर ट्रेड यूनियंस, तो ये सब रेस्ट्रिक्शन क्या किए लोग पहले ही हटा दिया, तो जिसको चाहिए मीटिंग करा सकता है और जितना एसोसिएशन चाहिए तो फॉर्म करा सकता है। इन अप्रैल 1917 द बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन रिटर्न टू रशिया फ्रॉम द एक्साइल। लेनिन डिमांडेड थ्री थिंग्स टर्म्ड एज अप्रैल थीसिस। और बोल्शेविक का लीडर व्लादिमीर लेनिन को जब तो पहले ही रशिया छोड़ने के लिए बताया था, लेकिन अभी 1917 में फरवरी रेवोल्यूशन होने के बाद बोल्शेविक को ज़्यादा हक मिला और पावर आ गया, तो उसके वजह से लेनिन वापस आया। लेनिन वापस आने के बाद तीन दावा किया, तलब किया वो वहाँ का जो प्रोविशनल गवर्नमेंट से, वो तीन डिमांड को अप्रैल थीसिस नाम में कहा जाता है। वो तीन डिमांड ये था, ही वांटेड वार टू एंड, लैंड टू बी ट्रांसफर्ड टू द पीसेंस एंड बैंक्स टू बी नेशनलाइज्ड। तीन बातें हैं, एक वहाँ जो रशिया वर्ल्ड वार में शिरकत लिए थे उसको ख़त्म करने के लिए बताया, और दूसरा वहाँ का जो प्रॉपर्टी है प्राइवेट प्रॉपर्टी सब हटाकर पीसेंस को देने के लिए बताया, तीसरा वहाँ का जो बैंक है वो बैंक अभी प्राइवेट के कंट्रोल पर है वो हटाकर नेशनलाइज करने के लिए बताया। तो ये तीनों चीज़ें को, तीन डिमांड है, तीन डिमांड को एप्पल थीसिस नाम में कहा जाता है। फिर ही आल्सो एम्फसाइज्ड ऑन रीनेमिंग द बोल्शेविक पार्टी टू द कम्युनिस्ट पार्टी। तो अब तक 1917 तक इसका पार्टी लेनिन का पार्टी बोल्शेविक पार्टी नाम में मशहूर हुआ था, लेकिन 1917 के बाद ये पार्टी का नाम चेंज करने के लिए बताया, नया नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। वर्कर्स मूवमेंट स्प्रेड थ्रू आउट द समर, फैक्ट्री कमिटीज फॉर्म्ड एंड ट्रेड यूनियंस ग्रू इन नंबर्स। तो अभी ये एसोसिएशन फॉर्म करने का रेस्ट्रिक्शन सब हटा दिया, उसके वजह से वर्कर्स मूवमेंट ज़्यादा हो गया और फैक्ट्री कमिटी फॉर्म हो गया, ट्रेड यूनियंस बहुत अलग अलग टाइप का यूनियंस एसोसिएशंस फॉर्म हो गया रशिया में। वेल द प्रोविशनल गवर्नमेंट सो इट्स पावर रिड्यूस्ड एंड द बोल्शेविक इन्फ्लुएंस ग्रू, दे डिसाइडेड टू टेक स्टर्न मेजर्स अगेंस्ट स्प्रेडिंग डिसकंटेंट। तो अभी तो दूसरे का प्रॉब्लम आया, अभी तो एक लेजिस्लेटिव असेंबली है, प्रोविशनल गवर्नमेंट है, लेकिन ये प्रोविशनल गवर्नमेंट से भी ज़्यादा सपोर्ट बोल्शेविक पार्टी को है। बोल्शेविक पार्टी बोले तो कम्युनिस्ट पार्टी, तो कम्युनिस्ट पार्टी क्या बताता है, कम्युनिस्ट पार्टी का फैसला क्या है, इसके हिसाब से लोग चलने शुरू किया, तो एक नया प्रॉब्लम आ गया रशिया में। इन द कंट्री साइड पीसेंस एंड देयर सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी लीडर्स प्रेस्ड फॉर द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। Encouraged by the socialist revolutionaries, peasants seized land between July and September 1917. तो अभी peasants का unions है, associations है, तो socialist party land redistribution के लिए दावा किए, तो उसके हिसाब से 1917 September और July के बीच में सब peasants वहाँ का जो property उनका under पे रख दिया और उन लोगों पूरा कब्जा कर दिया। फिर तो अभी फरवरी से और रेवोल्यूशन होने के बाद सितंबर तक जो वाक्य हुआ बताया है, उतना क्लैशेस नहीं, क्लैश तो एक बोल्शेविक पार्टी और वहाँ का जो प्रोविशनल गवर्नमेंट के बीच में है। तो फिर अक्टूबर में एक स्पेशल इश्यू हुआ है रशिया में, वो क्या है देखिए, द रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917।
The conflict between the provisional government and the Bolshevik grew. On 16 October 1917, Lenin persuaded the Petrograd Soviet and Bolshevik party to agree to a socialist seizure of power. तो अक्टूबर में लेनिन ने एक ऐलान किया, अक्टूबर 16 को 1917 में, वहाँ का जो पेट्रोगोड सोवियत और बोल्शेविक पार्टी दोनों को रशिया का पावर उनका अंडर पे लाने के लिए और पावर उन लोग कब्जा करने के लिए एक ऐलान किया है लेनिन। टू ऑर्गेनाइज द सीजर ए मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमिटी वॉज अपॉइंटेड बाई सोवियत अंडर लियोन ट्रोट्स्की और ये सीजियर का एक पावर कंट्रोल करने का एक टीम बनाया है, मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी बनाया, उसका लीडर था लियोन ट्रोट्स्की। द मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी ऑर्डर्ड इट्स सपोर्टर्स टू सीज गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड अरेस्ट मिनिस्टर्स। तो इन लोग फर्स्ट काम ये था, वहाँ का जो मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को पूरा अरेस्ट किया। Or by nightfall, the city was under committee's control and the ministers had surrendered. तो इन लोग बोल्शेविक पार्टी के अंडर पे पूरा पावर, बहुत ज़्यादा लोग बोल्शेविक को सपोर्ट करने वाले थे, तो जनरली किसको सरेंडर करने पड़ा, मिनिस्टर को सरेंडर करने पड़ा और रशिया का पूरा कंट्रोल, गवर्नमेंट कंट्रोल बोल्शेविक पार्टी के अंडर पे आया। At a meeting of All Russian Congress of Soviets in Petrograd, the majority approved the Bolshevik action. तो अक्सर लोग बोल्शेविक एक्शन को सपोर्ट किया और बोल्शेविक पार्टी का पावर को मान लिए। और फिर अभी बोल्शेविक के अंडर पे पावर आ गया। व्हाट चेंजेस आफ्टर अक्टूबर, तो ये अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद, तो दो रेवोल्यूशन हो गए, एक फरवरी रेवोल्यूशन में सार निकोलस को हटाकर वहाँ एक गवर्नमेंट, प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्म किया, फिर प्रोविजनल गवर्नमेंट 5-6 साल हुकूमत किया उसके वजह से, उसके बाद प्रोविजनल गवर्नमेंट से पावर बोल्शेविक पार्टी के अंडर पर आ गया। तो वो फरवरी रेवोल्यूशन में गवर्नमेंट के प्रोविजनल गवर्नमेंट को पावर मिला है और अक्टूबर रेवोल्यूशन की वजह से बोल्शेविक पार्टी को पावर मिला है, बोल्शेविक पार्टी मतलब कम्युनिस्ट पार्टी। तो ये बोल्शेविक पार्टी के अंडर पे पावर आने के बाद वहाँ क्या क्या चेंजिंग हुआ, व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर। इंडस्ट्री एंड बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन नवंबर 1917, विच मीन द गवर्नमेंट टुक ओवर ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। 1917 में इनका अंडर पे पावर आने के बाद बैंक को नेशनलाइज किया, मतलब मुकम्मल तौर पर ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इनके अंडर पे ही आ गया। लैंड वॉज डिक्लेयर्ड एज सोशलिस्ट सोशल प्रॉपर्टी एंड पीसेंट्स वर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ नोबिलिटी। तो वहाँ 1914 के पहले पूरा प्रॉपर्टी नोबल के पास थे, बताया, तो नोबल के पास जो प्रॉपर्टी है वो पूरा लैंड उनका जो लैंड पीसेंस को पीसेंस के अंडर रखने के लिए बताया। और प्राइवेट प्रॉपर्टी बोलने की चीज़ नहीं, जो लोग के पीसेंस काम करता है उनको प्रॉपर्टी है और उसका प्रॉफिट शेयर करना। तो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी सिस्टम हटाकर पब्लिक प्रॉपर्टी सिस्टम लाया है, सोशल प्रॉपर्टी है, एक प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं। और द बोल्शेविक पार्टी वॉज रीनेम्ड द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। इलेक्शंस वर कंडक्टेड नवंबर 1917 टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बट दे फेल्ड इन मेजोरिटी। और बोल्शेविक नाम चेंज किया रशियन कम्युनिस्ट पार्टी होकर, और 1917 नवंबर में एक इलेक्शन हो गया, लेकिन इलेक्शन में बोल्शेविक पार्टी को ज़्यादा मेजोरिटी नहीं मिला। In January 1918, the assembly rejected Bolshevik measures and Lenin dismissed the assembly. और लेनिन के अंडर पे बोल्शेविक जो गवर्नमेंट फॉर्म किया था वो गवर्नमेंट 1918 जनवरी में डिसमिस करने के बाद, डिस्पाइट ऑपोजिशन इन मार्च 1918 बोल्शेविक्स मेड पीस विद जर्मनी एट ब्रेस्ट लिटोस्क। और 1918 में जर्मनी के साथ एक पीस एग्रीमेंट करने किया ये बोल्शेविक पार्टी। और बोल्शेविक पार्टिसिपेटेड इन द इलेक्शन टू द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत विच बिकम द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री रशिया बिकम ए वन पार्टी स्टेट। और उनके उसके बाद जर्मनी के साथ एक पीस एग्रीमेंट करने के बाद रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत है ना, ये टीम अकेला
रशिया में इलेक्शन में खड़ा होकर जीत गया, मतलब डेमोक्रेटिक सिस्टम में इलेक्शन, लेकिन कभी वन पार्टी सिस्टम होगा जैसे अभी चाइना में है पार्टी सिस्टम, मतलब ज़रूर इनका पार्टी का कोई एक आदमी हुकूमत में आएगा, लेकिन इलेक्शन सब होता है, तो इलेक्शन वाला डेमोक्रेटिक पार्ट है, तो वहाँ वन पार्टी सिस्टम होकर रशियन कांग्रेस सोवियत मतलब ये बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी हुकूमत में आए 1918 में जनवरी में। ओके तो अभी मुकम्मल तौर पर सोवियत रशिया किसके अंडर पर है, कम्युनिस्ट पार्टी के अंडर पर आया। फिर आफ्टर अक्टूबर 1917 दिस लेड टू एक्सपेरिमेंट्स इन द आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर, बट मेनी बिकेम डिसइल्यूशनड बिकॉज ऑफ द सेंसरशिप ऑफ पार्टी एनकरेज्ड। और कम्युनिस्ट के अंडर पे आने की वजह से मुकम्मल तौर पर आज़ाद मिला ऐसा नहीं बोल सकता है, क्योंकि वहाँ का जो आर्किटेक्चर आर्ट्स है वो सब का बोल्शेविक का सेंसरशिप के हिसाब से हटाना पड़ा है। तो जैसे भी हो तो 1917 में दो रेवोल्यूशन फेमस रेवोल्यूशन हुआ है, और 1917 अक्टूबर में पूरा कंट्रोल बोल्शेविक के अंडर पे आया, और इलेक्शन में उन लोग हार गया, उसके बावजूद भी 1918 में जो इलेक्शन है वन पार्टी सिस्टम लाने के बाद उन लोग जो इलेक्शन में खड़े होकर बोल्शेविक पार्टी के अंडर पे पूरा कंट्रोल उनके कंट्रोल पे हो गया रशिया। ओके